एग्जामिनेशन हॉल में नकलें कराई गई युवाओं के साथ वर्तमान सरकार ने सबसे बड़ा छल किया। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता को लुभाने में जुट गई है। इसी कड़ी में मंडी जिला के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में युवा कांग्रेस सुंदरनगर द्वारा युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोहनलाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और विशेष अतिथि के रूप में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सह सचिव योगेश हांडा व युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष तरुण ठाकुर मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों युवा परिवारों ने भाजपा का छोड़ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। सोहनलाल ठाकुर ने प्रदेश व केंद्र की डबल इंजन सरकार पर जुबानी हमला करते हुए हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार ने नौकरी देने के नाम पर युवाओं के साथ छल किया है और प्रदेश में कई बार पेपर लीक हुआ और पेपर करवाने के नाम पर भाई भतीजावाद चलता रहा। सोहनलाल ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी नींद से जगना चाहिए। हिमाचल प्रदेश सहित देश में हर जगह कांग्रेस दिखाई दे रही है। युवाओं के साथ वर्तमान सरकार ने सबसे बड़ा छल किया है। नौकरी के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुए, भाई भतीजावाद हुआ और जबरदस्ती अपने लोगों को पास कराने के लिए उनको एग्जामिनेशन हॉल में नकलें कराई गई और कई जगह तो ये जो पर्चे थे ये लोगों नेताओं के घर पे हुए। तो इस तरह का धोखा जो नौजवान लोगों के साथ हुआ है वो आज के इस कार्यक्रम को में युवाओं को उसका आह्वान किया गया, बताया गया और ये कहा गया कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए जिसने युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार देने का वादा किया है और मुख्यमंत्री जी यहाँ जाते तो आज यहाँ भी कांग्रेस दिखाई देती और असल में तो जब चुनाव नतीजे आएंगे मेरे को लगता है कि जयराम जी उसी वक्त गहरी निंद्रा में हैं, उससे निंद्रा से जागेंगे और देखेंगे कि भाई अब तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कांग्रेस कांग्रेस ही नज़र आ रही है जिसको मैं कहता है पहले नज़र नहीं आ रही है, ये होने वाला है पर अभी ये इनकी निंद्रा इलेक्शन के बाद टूटे। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।